वेलकम टू रेसलिंग चैंपियन यूट्यूब चैनल। तो सर हम बात करने वाले हैं ऐसे पांच सरप्राइजेस के बारे में जो हमें देखने को मिल सकते हैं इसमें 85 में, मतलब बात करने वाले हैं ऐसे पांच सरप्राइज बातों के बारे में जो यहाँ पर रेडी कन्फर्म कर सकती है इसमें 85 के लिए। तो कौन सी होंगी ये पांच बातें इसमें मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं यहाँ पर एक बड़े मैच से, और ये है यहाँ पर कॉफी किंग्सटन और डेनवर ब्रायन के मैच में, और ये मैच है फुटबॉल वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। तो ऐसे हम सबको पता है कि यहाँ पर बैटिंग ऑर्ड्स के अकॉर्डिंग इस मैच में यहाँ पर जीत देखने को मिलेगी हमें कॉफी किंग्सटन की। जी हाँ, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर अर्ली बना रही है एंगल कॉफी किंगस्टन का पिछले कई महीनों से, उसको देख लग रहा है कि यहाँ पर अर्ली फाइनली देने वाली है कॉफी किंगस्टन को बहुत ही तगड़ा पुश रेसलमेनिया में। मतलब यहाँ पर दे देगी कॉफी किंगस्टन को एक चैंपियनशिप रेसलमेनिया में, और ये चैंपियनशिप होगी अर्ली चैंपियनशिप। लेकिन वेट अ सेकंड, ये सरप्राइज नहीं है। सरप्राइज ये होगा कि यहाँ पर हमें देखने को मिले इस मैच में एक हील टर्न, और ये यहाँ पर हील टर्न करेंगे न्यू डे के मेंबर्स। न्यू डे के मेंबर्स मतलब एक्जेमिन वुड्स और बिग ई। तो यहाँ पर रूमर्स का ये मानना है कि यहाँ पर हमें हील टर्न देखने को मिल सकता है इस मैच में। जैसे मुझे आपको पता है कि यहाँ पर न्यू डे की टीम है जिसमें है कॉफी किंगस्टन, एक्जेमिन वुड्स और बिग ई। अगर यहाँ पर अर्ली बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान कर रही है इस मैच में, तो ये बड़ा सरप्राइज यही हो सकता है कि हमें देखने को मिले इन दो सुपरस्टार्स का हील टर्न कॉफी किंगस्टन के ऊपर। तो बात करते हैं दूसरी बात के बारे में, और ये होगी सेथ रॉलिंस की जीत। पता है कि यहाँ पर ब्रॉक लेसनर सेथ रॉलिंस का मैच में देखने को मिलेगा इस 25 में फ्यूचर चैंपियनशिप। तो यहाँ पर ये बात सरप्राइज से कम नहीं है कि हमें इस मैच में देखने को मिलेगी जीत सेथ रॉलिंस की। यहाँ पर ब्रॉक लेसनर की हार होना रेसलमेनिया जैसे इवेंट में, ये यहाँ पर सोचना मुश्किल है। तो सरप्राइज की बात यह है कि यहाँ पर ब्रॉक लेसनर इस मैच में हार सकते हैं, और यहाँ पर बन सकते हैं इस मैच में न्यू यूनिवर्सल चैंपियन सेथ रॉलिंस। तो ये बात देखनी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी कि यहाँ पर इस मैच में ब्रॉक लेसनर हारने के बाद यहाँ पर क्या करते हैं, कि आप डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ेंगे या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई में ही रहेंगे। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर रूमर्स के अकॉर्डिंग ब्रॉक लेसनर यहाँ पर रहने वाले हैं रेसलमेनिया के बाद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में। तो इन शॉर्ट यहाँ पर सरप्राइज ये होगा कि हमें देखने को मिलेगी इस मैच में जीत सेथ रॉलिंस की। तो बात करते हैं तीसरी सरप्राइज के बारे में, ये यहाँ पर है किसी एक सुपरस्टार की वापसी। तो ऐसे ही उन सबको पता है कि यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई हर रेसलमेनिया में बहुत सारे बड़े बड़े सरप्राइजेस देती है, और वो सरप्राइजेस होते हैं एज ए रिटर्न। तो ये बात भी ऑब्वियस है कि यहाँ पर इस बार भी होंगे। तो यहाँ पर रिपोर्ट्स का ये मानना है कि यहाँ पर इस बार होंगे जॉन सीना और दी अंडरटेकर के। और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जॉन सीना और दी अंडरटेकर पहुंच चुके हैं अभी न्यूयॉर्क सिटी में। जी हाँ, वही जगह जहाँ पर होगी रेसलमेनिया। मतलब यहाँ पर जॉन सीना और दी अंडरटेकर पहुंच चुके हैं यहाँ पर रेसलमेनिया के ग्राउंड में। तो अगर पहुंच चुके हैं तो यहाँ पर उनकी अपीयरेंस जरूर होगी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि यहाँ पर उनकी अपीयरेंस होगी ही होगी, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से वो पहुंचे हैं उसको देख कर यहाँ पर लग रहा है कि उनकी अपीयरेंस जरूर होगी। और रूमर्स का ये मानना है कि यहाँ पर इन दोनों सुपरस्टार्स में से किसी एक सुपरस्टार की वापसी यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है अलेस के सेगमेंट में। जी हाँ, अलेस के म्यूजिक प्ले जो वो करते हैं रेगुलर उसमें। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है ये देखना कि यहाँ पर रोली कैसे बुक करती है जॉन सीना और अंडरटेकर के सेगमेंट को। तो बात करते हैं नेक्स्ट सरप्राइज के बारे में, और ये यहाँ पर जुड़ा है आंद्रे जेंट मोरियल बैटल रॉयल से। तो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस बैटल रॉयल के लिए कई नाम कंफर्म कर दिए हैं, जैसे जिंदर माहौल, मुस्तफा अली, ब्रॉन स्ट्रोमन ऐसे कुछ। तो यहाँ पर रूमर्स का ये मानना है कि इस मैच में हमें देखने को मिल सकते हैं लार्स लेवन। सबको पता है कि यहाँ पर ये सुपरस्टार कौन है। ये सुपरस्टार यहाँ पर अभी मेन रोस्टर में नहीं आया है, लेकिन ये सुपरस्टार अभी मेरे जस्ट यहाँ पर आने ही वाला है। तो यहाँ पर सरप्राइज करने वाली बातें हो सकती है कि हमें यहाँ पर देखने को मिले फेस टू फेस ब्रॉन स्ट्रोमन और लार्स लेवन का। जैसे हम सबको पता है कि यहाँ पर ये मैच भी एक तरह से बहुत ही बड़ा ड्रीम मैच है, क्योंकि यहाँ पर दोनों सुपरस्टार एक तरह से इक्वली मॉन्स्टर हैं। ये मैटर नहीं करता कि यहाँ पर इस बैटल रॉयल को कौन जीतेगा, ये मैटर करता है कि यहाँ पर क्या ये हमें फेस टू फेस देखने को मिलेगा लार्स लेवन और ब्रॉन स्ट्रोमन का। और यहाँ पर अब बात करते हैं लास्ट सरप्राइज के बारे में, और ये यहाँ पर जुड़ा है सरप्राइज रिटर्न से। को पता है कि हर रेसलमेनिया में कई सरप्राइजेस देखने को मिलते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पर इस बार भी होंगे। तो यहाँ पर उस सरप्राइज रिटर्न की लिस्ट में यहाँ पर आते हैं सैमी ज़ेन, जॉन सीना, अंडरटेकर, और तो यहाँ पर द रॉक का नाम भी इस लिस्ट में है कि हमें इन चार सुपरस्टार्स में किसी एक सुपरस्टार की या फिर चारों सुपरस्टार्स की भी रिटर्न देखने को मिल सकता है रेसलमेनिया 35 में। इंटरेस्टिंग हो गया है कि हमें इन चार सुपरस्टार्स की में हमें किसकी वापसी देखने को मिलेगी रेसलमेनिया के इवेंट में। तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और बताएं कि आप इन चार सुपरस्टार्स में से कौन से एक सुपरस्टार की वापसी देखना चाहते हैं रेसलमेनिया के इवेंट में, जॉन सीना, द रॉक, सैमी ज़ेन और द अंडरटेकर में से। तो ये थी आज की वीडियो, अच्छी तो लाइक करें, और डब्ल्यूडब्ल्यूई की लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें।